मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटकर जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में बिरनपुर में कैसे हत्या हुई थी, अनुसूचित जनजाति के युवाओं ने कैसे नग्न प्रदर्शन किया था, सुकमा एसपी ने धर्मांतरण को लेकर क्या पत्र लिखा था, मंदिर हसौद में राखी के दिन नाबालिग बहनों के साथ क्या हुआ था, जयस्तंभ चौक पर किस तरह से हमला हुआ था, बलात्कार की घटना पर तब सरकार के मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बलात्कार बड़ा और छत्तीसगढ़ का छोटा होता है, पाटन क्षेत्र के कुड़मुड़ा में सामूहिक नरसंहार हुआ था, फर्जी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी, एक बैगा आदिवासी ने थाने में आत्महत्या कर ली थी, एक उंगली दिखाएंगे तो तीन उंगलियां आपकी तरफ होगी, हमारी सरकार के 6 महीने में अपराध की घटनाएं कम हुई है। नहीं, बहुत माकूल जवाब सबको दिया गया है। उनसे पूछा गया है कि किस तरीके से सितंबर 2023 में भिलाई में मलकीत सिंह को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर मौत के घाट उतार दिया गया था, ये क्या हुआ था उस समय, ये पूछा गया है। उनको ये पूछा गया है कि कवर्धा में किस तरीके से भगवा ध्वज के अपमान के उपरांत भी दिन भर लोग चिल्लाते रहे, एफआईआर नहीं हुआ, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था, ये पूछा गया उनसे। मैंने खुद का अपना विषय बताया है कि जब मैं जेल में था तो जाकर कवर्धा के थाने में मेरे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया था, मेरे खिलाफ आर्म्स एक्ट लगा दिए गए थे, ये मेरे साथ ही खुद हुआ है। मैंने पूछा कि फर्जी एफआईआर के क्या स्थितियां उस समय थी, वो आप बताएं। एक बात और हुई है वहां पर कि बस्तर के उस तनाव को हम सब ने सुना है और देखा है, बस्तर में किस तरीके से घटनाएं हुई थी, किस तरीके से जो धर्मांतरित हो चुके लोग थे उन्होंने मूल आदिवासियों को पीटा यह कह करके कि तुम धर्मांतरण नहीं करते हो, ये हुआ था बस्तर में और कोई सुनने वाला नहीं था। वहां पर जो तत्कालीन एसपी थे उन्होंने लिख करके चिट्ठी कहा था सरकार से कि आप यहां पर ध्यान दीजिए, आने वाले समय में यहां सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ सकती है। वो आज हम लोग देख रहे हैं बस्तर में, जो आज रोज आप सुनते होंगे कि इस गाँव में ये हो गया, वहां पर दफनाने के लिए लोगों के बीच विवाद हो गया, गाँव गाँव में विवाद जो आज खड़ा हो गया है वो तत्कालीन सरकार की उदासीन के कारण था। मैं बताना चाहता हूं कि आपको ध्यान होगा, एक सदस्य हैं हमारे बीच में आज ईश्वर साहू, उनके बेटे बीरन साहू के साथ क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा यह विषय। आपको यह भी ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में किस तरीके से सामूहिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। आपको यह भी ध्यान हो गया कि रायपुर में ही एक गंडासा लेकर एक युवक किस तरीके से एक नाबालिग लड़की को लेकर घूमता रहा था। आप मैं कितनी चीजें आप मेरे पास है जो आपको दिखाऊं और बताऊं इन सारे विषयों को लेकर के। साथ ही साथ मैंने यह भी बताया उनसे कि किस तरीके से जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक, मैंने जनवरी से जून 2021, जनवरी से जून 2022, जनवरी से जून 2023 और जनवरी से जून 2024, इनमें सारे अपराधों के आंकड़े आप देख लें, सब कुछ कम है, सब कुछ कम है। दिल का दर्द एक है, वो है बलौदा बाजार, वो है बलौदा बाजार, वो नहीं होना था, उस पर पूरी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आपको निसंदेह ये मैं कहना चाहता हूँ, ये आंकड़े उस दिन भी आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किए थे, आज सदन में भी प्रस्तुत करके सबके सामने बताया हूँ और माननीय अध्यक्ष महोदय ने